अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और अभी कुछ अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। कल से थोड़ा बिजी स्केड्यूल की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के टाइटल में देख लिया कि ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन, और इसे डायरेक्ट कमीशन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आफ्टर द इंटरमीडिएट अगर आप अप्लाई करते हो तो हमारे पास लॉन्ग कोर्स होता है। सो मई 2021 आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में आपके पास जो सबसे पहले क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन आती है MA MSc BS 4 ईयर्स एजुकेशन इन फॉलोइंग डिसिप्लिन्स, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स, पाक स्टडीज, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज एंड अरेबिक, ज्योग्राफी और इंटरनेशनल IR जिसे कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रीम के अंदर मेल के लिए MBA, MS और MS इकोनॉमिक्स, और अगर हम लॉ ऑफिसर्स की बात करें तो LLB क्वालिफाइड, और इसके बाद अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो DVM और इक्विवेलेंट डिग्री रजिस्टर्ड विद PVMC, और MSc ऑनर्स MPhil डिसिप्लिन्स विल बी गिवन, और मतलब उनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट, MSc साइकोलॉजिस्ट, और इसके लिए जो एज है वो 21 से 35 ईयर्स एज ऑन मई 1st 2021, और सिविलियंस के लिए 28 ईयर्स की एज। और इसी तरह अगर आपके पास जो मतलब मैक्सिमम एज है BS ऑनर में वो आपके पास, या आपने जो MA किया हुआ है एज ए कैप्टन, उसके लिए जो एज की रिस्ट्रिक्शन है वो 28 ईयर्स ही है। और कॉमन जो फीचर्स हैं वो मिनिमम 60 मार्क्स हो आपके एनुअल सिस्टम में, या फिर 2.5 CGPA हो। उसके अलावा मिनिमम CGPA आउट ऑफ 4 और 50% मार्क्स इन एनुअल सिस्टम, और नंबर 3rd डिवीजन ऑफ ग्रेड D एंड ओनली 2nd डिवीजन ग्रेड C थ्रू द एकेडमिक करियर, मैट्रिक, MA MSc BSc। कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC आर एलिजिबल। मतलब HEC ने जिन यूनिवर्सिटीज को एलिजिबल किया हुआ है, चाहे आपने बाहर से ग्रेजुएशन की है, तो सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कोई प्राइवेट स्टूडेंट, मतलब जिसने कोई प्राइवेट क्वालिफिकेशन की है, तो वो आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकता। एक रेगुलर स्टूडेंट ही, मतलब थ्रू द होल करियर, अगर आपका कोई एक भी डिग्री है वो जो कि रेगुलर नहीं है, प्राइवेट है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जरी सी बात, इसमें जो जेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है, मैरिड और अनमैरिड दोनों ही फिलहाल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी आपके पास पाकिस्तान की हो, और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी एप्लीकेबल हैं। और जी अगर कोई और नेशनैलिटी रखता है, जैसे कि कोई पाकिस्तान ड्यूअल नेशनैलिटी रखता है, अगर उसकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर, या फिर अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपको एक नेशनैलिटी पे सरेंडर करना पड़ेगा। सो ये था जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन थ्रू द डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री मई 2021। सो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्या डिपार्टमेंट्स थे, और अगर इस तरह का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा। समटाइम मैं भूल जाता हूँ, बोल देता हूँ, लेकिन अब मिल जाएगा आपको। सो खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, MAHMED NAZEER चैनल। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।